before proper noun. Before proper noun. Uses of indefinite article, you are saying? The. Indefinite or definite? Definite, sir. अच्छा अभी अच्छा हमने परसिस्ट अभी लास्ट में स्टार्ट किया था हमने कल ही तो फर्स्ट क्लास था हमने अच्छा कल फर्स्ट क्लास था ओके बिफोर प्रॉपर नाउन इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन हियर दिस पार्ट वी आर डूइंग राइट द आर्टिकल का फोर्थ पॉइंट ओके कर्व तो यहां पे कर रहे थे ना हम लोग पहला पार्ट यस सर दूसरी क्लासेस की भी माई गेट कंफ्यूज के हम लोग कहां तक पहुंचे थे ओके गॉट इट सो वी वर हियर तो ये पॉइंट समझ में आ गया था ना हमें प्रॉपर नाउन के साथ तार लगाते हैं जैसे एग्जांपल क्या था इस तरीके की कुछ एग्जांपल किया था हम लोगों ने ना जैसे अर्जुन इज द Sachin Tendulkar of the future. Something like this. Okay, इसमें कुछ सवाल समझ में आ गया था ये क्लियर कि क्यों हम किसी के नाम के आगे यहाँ पे द लगा रहे हैं ऐसे बिकॉज हम इसे कॉमन नाउन है कैटेगरी शो करने के लिए यूज कर रहे हैं तो हमने इसके साथ द लगाया है ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन ओके चलिए प्राप्ति आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इसमें जो कि कहता है वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर सुपरलेटिव यानी कि हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं ठीक है आई गेस ये ज्यादातर लोग इस पॉइंट को मतलब बाय डिफॉल्ट जान के चलते हैं कि हाँ ऐसा होता है ठीक है तो इसका क्या मतलब है जैसे दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री सबको पता है ना एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री तो हाई हायर हाईएस्ट तो हाईएस्ट क्या होता है हाईएस्ट लार्जेस्ट फास्टेस्ट मोस्ट बेस्ट दिस आर सुपरलेटिव डिग्रीज दिस इज द फास्टेस्ट कार इन द मार्केट ठीक है या फिर ऐसे बोल सकते दिस इज द फास्टेस्ट कार इन इट्स कैटेगरी ऐसा कुछ भी ठीक है तो इसका मतलब क्या है सबसे तेज कार है दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग आई हैव एवर सीन ऐसा कुछ अगर आप बोलते हो ठीक है बेस्ट लार्जेस्ट मोस्ट इन सब के आगे आप क्या करते हो द लगाते हो ठीक है तो बेसिकली आपको जो ये दिख रहा होता है कंपैरिजन चल रहा है उस कैटेगरी में हम उस चीज को सबसे एक्सट्रीम पे रख रहे हैं ठीक है तो उसके साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं उस केस में ठीक है तो ये तो हो गया चलो यार कि कब यूज करते हैं ठीक है दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू ऐसे हमने एग्जाम्पल पढ़े थे ठीक है दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू ठीक है तो इस तरीके से आप उसके साथ में डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो नाउ इसमें साथ ही मैं बता देता हूं आपको कि कब यूज नहीं किया जाएगा बिकॉज इसके साथ एक नॉर्मल जो है इसके साथ एक सोच बन जाती है दैट वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल विद एवरी सुपरलेटिव डिग्री या फिर इन एवरी सेंटेंस इस तरीके का नहीं है व्हेन यू आस्क ए क्वेश्चन जब क्वेश्चन पूछा जाए किस तरीके से जैसे ये विच ऑफ द कार्स Do you like most? पता है ना Which of the cars do you like most? इस तरीके का क्वेश्चन जब पूछते हैं तो you do not use definite article with most. इसके साथ ऐसे नहीं करोगे कि यहाँ पे भी आपको दाल लगाना है ठीक है Which of the cars do you like most? Which of the cars do you like best? Most भी बोल सकते हो यहाँ पे best भी बोल सकते हो same meaning होता है ठीक है तो यहाँ पे आप best भी लगा सकते हो इस तरीके से और इसके साथ में the use नहीं करोगे आई समझ अच्छा और बताओ कभी यूज करते हैं इस तरीके का एग्जाम्पल देखा है मोस्ट पीपल लाइक विंटर्स ठीक है क्या मतलब होगा इसका मोस्ट पीपल लाइक विंटर्स इसका मतलब सबकी समझ में आ रहा होगा ना मेरे ख्याल से यस दीप्ति ज्यादातर लोगों को विंटर्स पसंद है
यस अनुष्का, ज्यादातर लोगों को विंटर्स पसंद है ना, तो मोस्ट पीपल लाइक विंटर्स। तो यहाँ पे आपको पता है हम किसी चीज में कंपैरिजन नहीं कर रहे, ना ही हम ऐसा बोल रहे कि ये सबसे एक्सट्रीम पे कोई डिग्री है, मतलब एडजेक्टिव की डिग्री की तरह आप इसे यूज नहीं कर रहे हो। मोस्ट पीपल का मतलब होता है ज्यादातर पीपल, ज्यादातर लोग, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल इन दिस केस, तो ऐसा नहीं होगा कि द मोस्ट पीपल लाइक विंटर्स, ठीक है ना। तो अगर हम कोई रूल पढ़ रहे हैं तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई हमने एक चीज देख ली कि अब उसके साथ हमेशा लगना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द केसेस कि कब यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे बिफोर सुपरलेटिव्स मोस्टली क्या होता है, जब अपनी कैटेगरी में एक्सट्रीम पे दिखा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द फास्टेस्ट बेस्ट ये वाली चीज। चलो ये तो हो गया कि जब आप कैटेगरी में कंपेरिजन कर रहे हो तब यूज करना है, बाकी कुछ और तरीके से कुछ और केस में यूज किया जा रहा है तब आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट पीपल लाइक विंटर्स या फिर विच ऑफ द कार्स डू यू लाइक मोस्ट या बेस्ट, ठीक है। चलिए नाइस, क्लियर है तो आगे बढ़ते। कोई सवाल हो तो साथ में पूछते हुए चलना भी, ठीक है, बिकॉज मेरे को लगता है ना ये इजी रूल से एक बार में समझ में आ जाते हैं, बस याद रखने की देरी होती है। ऐसा होता है कि क्वेश्चन करते समय याद रहना चाहिए, बस इतना है इसमें। चलिए नेक्स्ट है हमारा पहल। ओके, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स ऐसा मैंने रूल एक बार बताया था आपको कि एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ में मोस्टली, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ कैसे, जैसे मैं लिखता हूं एक सेंटेंस, ये मैंने ख्याल से मैंने आपको पैसिव के साथ नाउन का पढ़ देते हम लोग, तब मैंने बताया था ऐसा कुछ। द रिच डोंट नो हाउ द पुअर लिव, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग सबके समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा सेंटेंस है, पर इसमें बताया ये जा रहा है कि यार हम यहाँ पे एडजेक्टिव लिख रहे हैं, हमने कोई नाउन यूज ही नहीं किया, हमने क्या बोला, द रिच डोंट नो हाउ द पुअर लिव। नाउ रिच और पुअर क्या है, वैसे एडजेक्टिव्स है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि इस तरीके के लोग लाइक रिच पीपल एंड पुअर पीपल, बट वी डिडंट यूज एनी वर्ड जो लोगों की बात कर रहा हो, पीपल, पर्सन, होमो सेपियन, कुछ नहीं लिखा हमने इसके अंदर, हमने क्या लिखा, केवल रिच लिखा, विच इज एन एडजेक्टिव। तो अभी क्या कर रहे हो आप, जब द रिच लिख रहे हो उसका मतलब क्या है, पीपल हु आर रिच, पीपल हु आर रिच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसके साथ में मतलब इसमें वही है कि एडजेक्टिव आप यूज करो और उसके पीछे का नाउन अंडरस्टूड हो, देन यू हैव टू यूज द, मतलब आप केवल ये नहीं बोल सकते थे रिच डोंट नो हाउ पुअर लिव, यू हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल, तब वो चीज क्लियर होगी। तो ऐसे केस में विद द एडजेक्टिव यू हैव टू यूज द, तब बात होती है ऐसे लोगों की, ठीक है। तो सिमिलरली द रिच डोंट नो हाउ द पुअर लिव, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पे मैं फिर से बताता हूँ वाली चीज दो तरीके से कैसे, एक तो क्या करते हैं, एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है द हटा देने वाला, ठीक है। इस तरीके से कुछ पूछ लिया जाएगा, द रिच डोंट नो हाउ पुअर लिव, तो नाउ यू नो दैट कि भाई लोगों की बात चल रही है ऐसे, ठीक है, तो उसके साथ द लगाना जरूरी है, तभी हम उस नाउन की बात कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है ये, द रिच डोंट नो हाउ द पुअर लिव्स, बताओ हमने क्या किया, यहाँ पे क्यों वहां पे लिव लिखा होना चाहिए, इससे क्या समझ में आ रहा है। अगला एरर इसके अंदर ये आता है इस तरीके से, ठीक है, क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस के अंदर द रिच डोंट नो हाउ द पुअर लिव्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिव्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिव होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या समझ में आया कि क्या है, इससे द पुअर के बारे में क्या पता चला, ये प्लूरल है, बिल्कुल सही डायरेक्शन, ये कैसा है, ये प्लूरल है। और तो याद रखना है आपको, जो आप एडजेक्टिव के साथ द लगा के जो नाउन बना रहे होते हो ना, विच वर्क्स लाइक अ नाउन, ये आपका कैसा बनता है, ये आपका प्लूरल होता है, ठीक है, ये प्लूरल है, तो आपको इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज करना है, इसलिए हम ये हटाएंगे और इसके साथ ये आएगा, ठीक है। तो दो तरीके से एरर लिख पूछ सकते हैं इस पे, एक तो द हटा के और दूसरा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा के। यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप इट इन माइंड, भाई इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, हमेशा प्लूरल ही लगेगा, ठीक है। एक और सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं, जैसे द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कॉवर्ड्स, द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कॉवर्ड्स, ठीक है। कॉवर्ड्स, यहां पे कॉवर्ड्स अपना नाउन है, तो द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कॉवर्ड्स, एक्चुअली एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर पा रहे हैं उसे हम लोग, कि वो लोग कायर नहीं होते ऐसा, है ना। तो कॉशियस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पीपल हु आर cautious,
यानी कि जो लोग सावधान रहते हैं वो हमेशा कायर नहीं होते, ठीक है। तो द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कॉवर्ड्स, तो इसके साथ आप यहाँ पे द यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि देखिए कैसा हो गया आपका प्लूरल हो गया। देखिए हमने यहाँ पे वर्ब भी कैसे लगाया है, प्लूरल लगाया है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, लेट मी राइट द सेंटेंस। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द बाइबल मीक एंड हम्बल शैल इनहेरिट द अर्थ। ठीक है, इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आया एग्जाम में। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस वन, so the meek and humble, the meek and humble, anushka thoda sa aur se karte se, baki sab log samajh aa rahe hain? Adi, Sakshi, Prapti, Shubham, Sukirti, Sukriti, then Sushant, sabka naam dikh raha hai yahan pe. Yes guys, clear ho raha hai kya chal raha hai? Mere ko batate raho kuch saath mein, wala mere ko lag raha tha usme akele padha raha hu. Yes anushka, what were you saying? To yes, meek lagayenge hum log. Meek aur humble kya adjectives hain, theek hai na? तो इसके साथ हम दा लगाएंगे द मीक, और इसके साथ भी दा लगेगा ना, क्योंकि ये भी उसी की बात चली है दीप्ति, द मीक एंड द हम्बल। क्लियर हुआ अनुष्का? तो द मीक एंड द हम्बल बोलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू द बाइबल द मीक एंड द हम्बल शैल इनहेरिट द अर्थ। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस तरीके के लोगों की। सर अगर यहाँ पे तीन एडजेक्टिव होते मीक कॉमा समथिंग एंड हम्बल, तो तीनों के साथ अलग अलग लगाते। यस 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 यस, बिल्कुल, बिकॉज ऐसा है ना कि आप एक को छोड़ दे, मतलब ये एडजेक्टिव तभी बन, ये नाउन तभी बन पाएगा जब उसके साथ हम द लगाएंगे, ऐसा है, वरना वो एडजेक्टिव ही अकेला, ये चीज है। ठीक है, तो यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल विद बोथ द एडजेक्टिव्स ताकि आप उस बात को बोल सको। तो बाइबल के अकॉर्डिंग दीज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, द पीपल हु आर मीक एंड द पीपल हु आर हम्बल शैल इनहेरिट द अर्थ। हम्बल इज विनम्र एंड मीक, मीक जनरली बोलते हैं शांत के केस में, शांत के लिए बोल रहा होता है तो, ठीक है, तो वो होता है यहाँ पे, तो मीक का मतलब शांत हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, सीधे साधे लोग, तो ये इट इज अ वे ऑफ सेइंग दैट मीक एंड हम्बल। ठीक है, मतलब देखा जाए तो मीक और हम्बल मतलब शांत स्वभाव के और एक जैसे वर्ड हुए हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग दा लगाएंगे, ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर कंपैरेटिव डिग्री टू शो अ सिलेक्शन व्हाइल कंपेयरिंग। कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप यूज करोगे टू शो अ सिलेक्शन व्हाइल कंपेयरिंग, यानी कि सिलेक्ट करते हुए, जो आप कंपेयर करते हुए बेसिकली एक को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पे, चलते ये, he is more intelligent than his brother. ठीक है, एक तरीका होता है बोलने का he is the more intelligent of the two brothers. अच्छा, इसमें देखो हम लोग बात एक ही बात बोल रहे हैं ना, मतलब बेसिकली हमारी बात का मीनिंग सेम होगा ना, कि हम बोलना चाह रहे हैं कि उनमें मतलब उसमें से, यहाँ पे हमने बोला he is more intelligent than his brother, कि अपने भाई से, वो अपने भाई से ज्यादा होशियार है, यहाँ पे ये मतलब हुआ। और यहाँ पे क्या मतलब है, दोनों भाइयों में वो ज्यादा होशियार है,
मीनिंग इज सिमिलर, मतलब बात एक ही बात में प्रूव कर रहे हैं, अपनी बात एक ही कंक्लूड कर रहे हैं कि वो उससे ज्यादा होशियार है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो, सिंपल तरीका है बोलने का, ये तो हमें सबको पता है, ठीक है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि उन दोनों में से वो ज्यादा, तब आप जब इस तरीके से बोलोगे तो यही हमने लिखा है ना, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री टू शो अ सिलेक्शन व्हाइल कंपेयरिंग, तो वी आर कंपेयरिंग देन वी आर सिलेक्टिंग वन पर्सन, कि भाई उन दोनों में से वो ज्यादा होशियार है। ऐसे केस में आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द लगाओगे, ठीक है। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ द कब लगता है, दैट वाज वन थिंग। नाउ हियर हम देख रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ द कब लगेगा, जब हम लिख रहे हैं कि उन दोनों में से वो ज्यादा होशियार है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे केस में यू विल यूज डेफिनेट आर्टिकल विद द कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इसे ऐसे ही बोल सकते हो आप इसी सेंटेंस को, ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज द मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। इसे इस तरीके से ही बोला जा सकता है और ये दोनों तरीके से ही ठीक है, ठीक है। ठीक है, जैसे शी इज द बेटर सिंगर ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है। तो ऐसे केस में यू विल यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। तो भाई सुपरलेटिव डिग्री का हमने समझ लिया, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री, इसके साथ हम लोग द ऐसे केस में लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री टू शो आर रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। दिस इज समथिंग जो हमें बोलने में पता चल जाता है, मतलब जनरली बोलते इसी तरीके से है। तो इसमें क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री में जब आप इसकी यूज के साथ आप जब रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज दिखा रहे हो, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, The higher you go, the cooler it becomes. ठीक है, तो ऐसे केस में you use definite article with this. तो जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में आप इसके साथ द लगाओगे कंपेरेटिव डिग्री के साथ में, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे the more they get, the more they want. ठीक है, तो द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट, यानी जितना ज्यादा दो उतना ज्यादा चाहिए। किसे दे कौन है यहाँ पे, हु आर दे, पीपल, यस बेसिकली अस, द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट, ठीक है। हमारी सबकी बात चल रही है, विच इज अ गुड थिंग आई गेस, ठीक है। जितना ज्यादा मिले उतना ज्यादा और चाहिए होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो अच्छा होनी चाहिए लोग, yes, अनुष्का, बेसिकली हम सब लोग। हो सकता है कुछ लोग नहीं होते हैं ऐसा वाला कि चलो ठीक है जितना अपना काफी टाइप का, बट आई गेस दिस इज द स्पिरिट दैट कीप्स अस गोइंग। चलिए या चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, दीज वर द रूल्स, जो थोड़े थोड़े मोटे मोटे रूल्स हैं इसके साथ में द के लिए, ठीक है। ये वो चीजें जो हमने छोटे क्लास में पढ़ी है, मतलब ये सबको पता है ज्यादातर, ठीक है। हम बस कभी कभी हो जाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में आप लगाओगे, ठीक है, द तबला, ठीक है, द सितार, वट एवर यू वॉन्ट टू से, द फ्लूट, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में डेफिनेट आर्टिकल लगता है, ओशन के नाम के साथ में लगता है, द पैसिफिक, ठीक है, डेजर्ट्स, द सहारा, द थार, ठीक है, रिवर्स, ठीक है, द कृष्णा, मेरे को रिवर का नाम मतलब याद नहीं रहता, कृष्णा रिवर भी है, ठीक है, द गंगा, माउंटेन रेंजेस,
द हिमालयस द एल्प्स ठीक है. नाउ यहाँ पे पता है ध्यान में रखना है कि जो माउंटेन रेंजेस की बात चली डू नॉट हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ अ माउंटेन. ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, यू डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट के लिए हम द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते, इट इज माउंट एवरेस्ट. और बिकॉज यहाँ पे बात चली रेंज की, तो हिमालय एल्प्स अरावलीज ठीक है, जो पर्वत श्रृंखला है द रेंज, उसके साथ वी यूज डेफिनेट आर्टिकल. एंड फॉर द नेम्स ऑफ होली बुक्स द गीता द कुरान ठीक है द बाइबल, तो बेसिकली होली बुक्स दिवाली बुक्स इन सब के साथ में भी आप द लगाओगे. ओके ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स पता है सबको. द फर्स्ट नंबर्स दो कैटेगरी में होते हैं हमारे पास, ऑर्डिनल और कार्डिनल. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्या होते हैं हमारे, ऑर्डिनल्स होते हैं. एंड 1 2 3 4 ये कार्डिनल कहलाते हैं. तो ऑर्डिनल्स के साथ आप यूज करोगे ठीक है. द फिफ्थ चैप्टर ऑफ द बुक ही इज ऑन द फर्स्ट फोर. यस समझ नहीं आया ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स. देखो ऑर्डिनल जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है. बेसिकली देखा जाए तो जो ऑर्डर में लगा रहे होते हैं हम लोग ना सेंटेंस मतलब वर्ड्स को ठीक है, तो किसी चीज का ऑर्डर बता रहे होते हैं तो उसके साथ आप यूज करते हो. मतलब दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल. और कार्डिनल होता है जब हम लोग नंबर बोलते हैं इस तरीके से 1 2 3 4, दिस इज कार्डिनल एंड दीज आर ऑर्डिनल्स ठीक है. तो ये बोला जाता है ऑर्डिनल के साथ में आप द यूज करते हो. जैसे हमने बोला द फिफ्थ चैप्टर ऑफ द बुक ठीक है, द फिफ्थ चैप्टर ऑफ द बुक और द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, ही इज ऑन द फिफ्थ फ्लोर, ही इज ऑन द नाइन्थ फ्लोर, व्हाटएवर यू वांट टू से. तो ऐसे केस में इसके साथ द लगाया जाता है ठीक है. पता है ये थोड़ा सा बस दिमाग में रखना है कि हमेशा नहीं लगता, मतलब हमेशा लगता है वैसे तो ऐसे केस में हमेशा लगता है जब भी इस तरीके से बोल रहे हैं. अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं ही केम फर्स्ट इन द क्लास, तो यहां पे सबको क्लियर है ना कि भाई यहां पे द नहीं लगेगा. ही केम द फर्स्ट इन द क्लास नहीं बोलेंगे हम लोग, ही केम फर्स्ट इन द क्लास. तो कभी भी इस तरीके का नहीं होता कि कोई रूल बोल दिया तो भाई लगेगा फिर से. ध्यान रखना है. तो अगर ऐसे समझे तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी मैंने ये सेंटेंस लिखा ठीक है, द फर्स्ट फ्लोर ठीक है, या फिर इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूं ऐसे ही केम एट द फर्स्ट पोजिशन, तो यहां से थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा होगा कि भाई आगे अगर आप कुछ नाउन लगा रहे हो तब भी द लग रहा है ना. जैसे यहाँ पे द फिफ्थ चैप्टर द फर्स्ट फ्लोर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव, तो आगे कोई नाउन लगा रहे हो तो भी उसके साथ द लगा रहे हो. तो यहाँ पे ये अलग केस अलग ही है जहाँ पे हम डायरेक्ट कभी कभी क्लास में किसी की रैंक बताते हैं या किसी भी जगह पे, तो ही केम फर्स्ट इन द रेस या ही केम फर्स्ट इन द क्लास ऐसा कुछ भी अगर आप बोल रहे हो तब द नहीं लगेगा. बाकी इस तरीके के केसेस में द लगेगा ठीक है. तो इसी का केस है, क्लियर है बिल्कुल, आई होप समझ में आ रहा होगा. Nice. एक ही वाला हो गया ठीक है. इसके अलावा हमने कुछ मिस किया और कहां लगाते हैं, मॉन्यूमेंट्स के आगे लगाते हैं, मॉन्यूमेंट्स के नाम के आगे ठीक है. इसलिए मैं कह रहा था यानी सारी चीजें ये पॉइंट्स वो हैं जो हमने सच में स्कूल में पढ़े हैं और थोड़ा बहुत पता ही है हमें. मॉन्यूमेंट्स के नाम के आगे ठीक है, द रेड फोर्ट, तो यू विल यूज डेफिनेट आर्टिकल द रेड फोर्ट, द ताजमहल, तो जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके नाम के आगे दा लगेगा ठीक है. व्हाट एल्स, एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम्स के साथ वी यूज द समर सीजन. पता है द समर सीजन या द विंटर सीजन ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, तो हाँ वही है यहाँ पे. समर जो हो गया एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, सीजन नाउन हो गया. यस, तो हम समर सीजन इस तरीके से बोलेंगे, द समर सीजन, द समर फ्लावर्स, इस तरीके का हम बिल्कुल यूज करेंगे. बिल्कुल सही दिखती, द एटीएम वॉज रॉब्ड है, कर इसमें एटीएम के आगे नहीं लगा रहे हम. चलो ठीक है, अच्छा ये इसके लिए बता रहे हो आप एब्रीविएशन के लिए. चलो ठीक है, हम एन एटीएम एटीएम भी बोल सकते हैं पता है, an ATM was robbed. So this is not the case कि यहाँ पे हम लोग इसके साथ the ही लगाएंगे. An ATM was robbed भी बोल सकते हैं. Yesterday an ATM was robbed.
कौन सा वाला, अरे जो घर के पास था, अब तुम्हें पता है कौन सा वाला रॉब हुआ था, तो उसके साथ बोलोगे द एटीएम विच वॉज रॉब्ड वॉज रॉब्ड बाय समवन, किसी का नाम बता दोगे, वॉज रॉब्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड, ऐसा कुछ अभी क्या बोल दिया मैंने, ठीक है, द एटीएम विच वॉज रॉब्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड, ऐसा कुछ अगर बोलते हो तो पता चल रहा है ना कौन सा एटीएम तब दा लगाओगे, वरना हम एन एटीएम भी बोल सकते हैं। नाउ अगर अच्छा हाँ कंट्री के नाम के आगे भी ये बताता हूँ अलग, ये मैं एब्रीविएशन एक्रोनिम से अलग बताता हूँ, ठीक है। अच्छा कौन सी कंट्रीज के नाम के आगे लगाते हैं हम लोग, पहले मैं एब्रीविएशन एक्रोनिम को बताता हूँ कि ये किसके आगे लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो मेरे ख्याल से एब्रीविएशन एक्रोनिम सबको पता ही है क्या होती है, ठीक है। जब हम लोग किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का या इनका या किसी भी बड़ा सा नाम लेके उसका उसका इनिशियल लेटर लेके जो छोटा नाम बना लेते हैं, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं बेसिकली, SBI, CBI, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता, एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम दे आर सेम थिंग, ठीक है। एक इसी को हम एब्रीविएशन बोल सकते हैं, इसी को एक्रोनिम बोल सकते हैं, ऑल दो कभी कभी लोग इस तरीके का बोलते हैं कि जैसे सेबी है, इसको अगर आप एक वर्ड की तरह बोलते हो ना, SEBI, इस तरीके से नहीं बोलते, तो इसको हम लोग एब्रीविएशन तो सारे हैं, माइंड इट, एब्रीविएशन तो सारे हैं, लेकिन हाँ अगर एक्रोनिम की बात करें तो इनको एक्रोनिम अलग से बोल दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि जो एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हो दे आर एक्रोनिम्स, ठीक है। तो काफी सारी डिक्शनरी दोनों को सेम मानती है, काफी सारी डिक्शनरी में होता है कि हाँ भाई इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, तो एब्रीविन एंड एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स विच आर नेम्स ऑफ फेडरल्स, ठीक है, विच आर नेम्स ऑफ फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ आप यूज करते हो द, ठीक है। तो इन सब के साथ, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग द यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि एटीएम अगर कोई एब्रीविएशन है तो उसके साथ में हम द ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो तो चीज है, चलो ठीक है, एब्रीविएशन तो है, लेकिन वहां पे हम द और एन दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके नाम के साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम के साथ में वी विल यूज द एट आर्टिकल। समझ आया? ये पॉइंट सबको, चलिए। अच्छा कौन से कंट्रीज के साथ यूज होता है, मतलब कंट्रीज के साथ का क्या केस होता है, व्हेन डू वी यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, बिकॉज सारे देशों के साथ नहीं लगाते हम, द अमेरिका नहीं बोलते, ठीक है, द अमेरिका नहीं बोला था, द यूएसए बोला जाता है, जैसा कि अभी बताया था संजीत ने, तो ये संजीत हम लोग द यूएसए बोलते हैं, हाँ द यूएसएसआर, द यूके, बिल्कुल सही। पता है तो उन कंट्रीज के नाम क्या आ गए जिसमें यूनाइटेड और रिपब्लिक इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, तो बेसिकली विच आर ग्रुप ऑफ स्टेट्स, हाँ बिल्कुल सही थी, द स्टेट्स द किंगडम्स उनके साथ हम लगाते हैं, ठीक है। यूनाइटेड रिपब्लिक ऐसे वर्ड्स आते हैं जहां पे दिख रहा हो कि कुछ स्टेट्स हैं जो कंबाइन होके दे आर फॉर्मिंग समथिंग, उसके साथ हम द लगाते हैं, ठीक है। तो द अमेरिका नहीं होता, बट दीज आर, ठीक है, द यूएई बोलते हैं हम लोग, इनके साथ वी विल यूज डेफिनेट। सर ऐसा है क्या जिसमें ऑफ है बीच में उसमें आ जाता है? देखो जैसे ये गर्व लिखा था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अच्छा जैसे ऑफ और बीच में मतलब अनुष्का, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑफ मतलब सभी में ऐसे वालों में ना रिपब्लिक और यूनाइटेड इन सब में ऑफ रहता है, ऑफ भी आ रहा है। पता है क्या, अगर हम अपनी बेसिक द के यूज पे ध्यान दें, जो था ना कि रिलेट कर रहा है और डेफिनेट किसी चीज की बात कर रहा है, तब हम उसके साथ जो द लगा रहे हैं इसमें वो भी क्लियर हो रहा है एक तरीके से। जैसे लिखा था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप रिपब्लिक वर्ड के आगे दा लगा रहे हो, बिकॉज कहाँ का रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस तरीके से, ठीक है। तो हाँ अगर ऐसा बोलना चाहो तो ऐसे भी हो सकता है कि हाँ जहाँ पे ऑफ लगा रहे हैं उसके साथ लगा रहे हैं, बिकॉज आप किसी एक चीज के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ के, अमेरिका के, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी उसे डिफाइन कर रहा है, तो हम वैसे ही बोल सकते हैं कि डिफाइन भी कर रहा है, मतलब अगर ग्रामेटिकल वे में समझे उस तरीके के,
रूल के हिसाब से तो आप ऐसे भी मान सकते हैं हम लोग कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि डिफाइन कर दिया गया कि कहां की यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। तो यस, ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं कि बता रहे हैं कहां का है, और बाकी इसी वजह से हमने द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लगा दिया, ठीक है, अगर इस तरीके से बोल रहे हो। व्हाट रिपब्लिक? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डिफाइन कर दिया, उसे रिलेट कर दिया, तो द अलग जाएगा, ठीक है। दैट दैट्स जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग इट। क्लियर है सबको ये चीज? सर ऐसा भी रहता है क्या कि अगर कोई आइलैंड वाली कंट्री रहती है तो उसके आगे भी दो लगेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जो सेपरेट आइलैंड है, जैसे द वेस्ट इंडीज। ऑल्दो मैं ज्योग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन आप कुछ लोगों के नाम के बारे में पता है मेरे को, ठीक है। तो आइलैंड्स है, द नेम ऑफ आइलैंड, बेसिकली दीज आर आइलैंड्स ना, ठीक है, द वेस्ट इंडीज इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, तो उसके साथ में ज्यादा लगेगा द फिलीपींस, ठीक है। तो आप लोगों को भी मेरे ख्याल से जी और इस टाइप का पढ़ दोगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इनके साथ हम लोग यूज करते हैं, मेरे को एक का नाम बता था वेस्ट इंडीज का, ठीक है, तो इसके साथ यूज करते हैं द अंडमान एंड निकोबार। पता एक और मैंने पढ़ा था कुछ टाइम पहले, इनफैक्ट काफी टाइम पहले, नीदरलैंड्स, ठीक है, नीदरलैंड्स इज अ कंट्री ना, उसके साथ भी हम द लगाते हैं। संजीत माय प्लेस, मतलब क्या, यू आर फ्रॉम नीदरलैंड्स? ओह नाइस, वेरी नाइस, यू आर फ्रॉम अंडमान, ओके। सो नीदरलैंड्स के साथ हम लोग यूज कर लेते हैं। इसमें ऐसा बोला जाता है, मतलब इसको मैं डिटेल में पढ़ना पड़ा था, बिकॉज इस पे ऐसा नहीं कि अलग से क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बट स्टिल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। इसमें क्या था, इसमें बोला था कि लैंड्स, लैंड्स लैंड है, जगह का नाम है, वहां पे कुछ इस तरीके का था, नीदर किसी लैंग्वेज में वहां पे उसका मतलब होता है ऊंचाई पे जगह कोई, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव की तरह वहां पे था, मतलब इसका नाम जो पड़ा जब भी, तो दिस वॉज एन एडजेक्टिव, दिस वॉज एन नाउन, तो उसके साथ में द लगा दिया गया था, नीदरलैंड्स, ठीक है, प्लेस विच इज एट सम प्लेस हायर, और इस तरीके से उसका कुछ नाम बना था, ठीक है। मतलब कुछ नीदरलैंड्स वो लो लैंड्स वाले जगह है ना, लो है या हायर है, उसमें कुछ मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या था। उसमें था कि वैसे रिवर उसमें जाती है ना, मतलब रिवर का फ्लो मोस्टली क्या होता है, उसकी तरफ सी की तरफ होता है, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसमें कुछ इस तरीके का होता था कि शायद सी से या ओशन से जमीन की तरफ नदी आ रही थी, इस टाइप का कुछ था। तो हाँ, हो सकता है लो हो, सो समथिंग वाज लो एंड हायर, ऐसा वाला था कि जमीन का कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स थे उसके अंदर, ठीक है, कि इस वजह से उसका नाम नीदरलैंड्स पड़ा, शायद वो नीचे की तरफ होगी जगह, तो शायद ओशन की तरफ से रिवर उसकी तरफ फ्लो कर रही होगी, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो देयर वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो नीदरलैंड्स, तो ऐसा हो सकता है इसके आसपास की जगह ऊंची थी, एंड यस नीदर एडजेक्टिव है, तो उसका मतलब क्या होगा, लोअर होगा, तो ये चीज लोअर थी, तो आसपास की जमीन ऊंची होगी, ऐसा था, तो नीदरलैंड्स, इसलिए इसका नाम नीदरलैंड्स था, ओके। क्लियर है अनुष्का? हाँ जी सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंट्री के नाम के साथ भी यूज कर लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पॉइंट बिफोर डायरेक्शंस। सर एक और है मेरे पास क्वेश्चन, हम द बहामास भी बोलते हैं, द फिलीपींस भी बोलते हैं, ये वही वाले हुआ ना जो मेरे ख्याल से आइलैंड वाले, मेरे को लग रहा है सर कि जैसे इन सबके बीच साथ में ना एस लग रहा है। नहीं, मतलब कि मे बी लैंड्स है, तो बहुत सारे लो लैंड्स है जो कंबाइन होके नीदरलैंड्स बुला रहे हैं, सेम केस मे बी फिलीपींस के साथ हो, नॉट श्योर, पर द इनके साथ लग रहा है। फिलीपींस में आपको बताऊं, फिलीपींस और ये जो है यस, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आते हैं, ठीक है, दे कम इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। जैसे द वेस्ट इंडीज है, ठीक है, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, इसका तो मतलब मैं बता रहा हूँ, इसकी कैटेगरी एक्चुअल में क्या है,
ठीक है, द वेस्ट इंडीज जब बोला गया तो ये एक्चुअल में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंडर इस कैटेगरी में आता है, तब बोला जाता है, तो इसी में द बहामास आता है, ठीक है। और फिलीपींस भी इसी तरीके से है, बिल्कुल दे आर आइलैंड्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दिस इज द केस। जैसे हम लोग बोल रहे थे ना, जैसे कंट्रीज का मैंने बताया कि किन कंट्रीज के नाम क्या क्या लगेगा, जिसके अंदर यूनाइटेड रिपब्लिक दीज वर्ड्स वी आर यूजिंग, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है उसके साथ हम लोग यूज कर रहे हैं द, ऐसा है। और नीदरलैंड का केस अलग था, बिकॉज ये मैंने बिल्कुल अलग ही देखा था, ठीक है, हर बुक में दिया भी नहीं आला, तो इसके साथ ही अली चीज थी कि यहाँ पे नीदरलैंड्स ये एडजेक्टिव की तरह था, ये नाम था, बिकॉज कंट्री के नाम के अगर अलग से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इस वजह से इनके साथ लग रहा है, और नीदरलैंड्स के साथ, और ऐसा नहीं है कि हम लोग एस लास्ट में आ रहे थे, क्योंकि बहामास प्लूरल जैसा भी साउंड नहीं कर रहा, इस तरीके का है, ठीक है। लेकिन हाँ, नीदरलैंड्स के साथ दिस वॉज अ केस, मतलब आसपास के एरिया इसका हायर पे था, आई मीन कि कुछ तो ग्रुप में या फिर कुछ हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे लो लैंड्स हैं एक साथ मिला के, जैसे हम नीदरलैंड कह रहे हैं, वैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो बहामास कह रहे, ग्रुप ऑफ आइलैंड है अगेन तो वेस्ट इंडीज, ऐसे बोल रही थी मैं, फिलीपींस मे बी, मतलब अच्छा मतलब ग्रुप ऑफ समथिंग, चलो नीदरलैंड्स को फिर से देख लेंगे फिर एक बार कि क्या होता है इसके केस में, ठीक है। लेकिन ऑल्दो इसके साथ ग्रुप, इनके साथ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वाला केस था, एंड वैसे लैंड, लैंड को हम लोग वैसे प्लूरल जनरली इस तरीके से नहीं करते ना, इसके नाम नहीं कर दिया गया, वैसे ऐसा लग रहा है मेरे को। हां ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं सर, मैं तो बस रिलेट करने की कोशिश, हां नहीं समझ गया मैं, ठीक है, नहीं दीज थिंग्स आर रिलेटेड, इसका मेरे को पता है कि दीज थिंग्स आर रिलेटेड, और द नीदरलैंड्स का जो लिखा था वो अलग से बता रखा है, मतलब काफी दिन पहले मैंने देखा था किसी बुक में, तो नीदरलैंड्स का, और फिर मेरे को गूगल करना पड़ा कि उसमें बस बुक में क्या लिखा था कि नीदरलैंड्स का दा लगता है, रीजन नहीं पता था, तो उसके बाद गूगल करना पड़ा था, काफी टाइम पहले की बात हो गई, तो इसीलिए मेरे को याद ही था, इनका कुछ था लोअर हायर वाला, कुछ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन एक्सप्लेनेशन दे रखा था कि क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है, तो दिस वॉज द रीजन की नीदरलैंड्स लो लैंड्स है इसलिए ऐसा, और उसमें इसलिए मैंने बताया रिवर के फ्लो का भी कुछ एक्सप्लेन कर रखा था उसमें, मेरे को लगा बस उसके साथ लगता है इतना काफी है, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर डायरेक्शंस, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी हम डायरेक्शंस बोलते हैं उनके साथ में लगता है। इसमें केसेस आते हैं हमारे व्हेन डायरेक्शन इज प्रीसीडेड बाय a preposition, जब किसी direction के साथ में कोई preposition लगता है तब आपका definite article use होता है, definite article the is used with it, ठीक है, when direction is preceded by a preposition तब उसके साथ में the use होगा, ठीक है, जैसे you are going towards the north, we are going towards the north, ठीक है, तो towards is your preposition, then you have to use definite article, और जैसे बोले they are coming from the south, they are coming from the south, ठीक है, तो यहाँ पे आप द लिखा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से टू द लेफ्ट टू द राइट कुछ भी अगर आप बोलते हो, ठीक है, कि यहाँ से आपको किसी को अगर डायरेक्शन बता रहे हो यहाँ से इस तरीके से जाना है, तो उसके साथ भी आप द यूज करोगे, ठीक है, टू द लेफ्ट टू द राइट व्हाट एवर यू वांट टू से उसके साथ में द लगेगा, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट आता है इसमें व्हेन डायरेक्शन इज प्रीसीडेड बाय a verb, when direction is preceded by a verb, जो उसके साथ verb लग रहा है तब definite article use नहीं होगा, the is not written with it, ठीक है, तब आप the use नहीं करोगे। क्या मतलब है, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, yes sir we are heading to the north, बिल्कुल सही, ये sentence मैंने अभी देखा, तो when direction is preceded by a verb, तो is not written with it, क्या मतलब होगा इसका कि जैसे अगर मैं बोलना है my house faces east,
ठीक है, तो माई हाउस फेसिस द ईस्ट नहीं बोलेंगे, माई हाउस फेसिस ईस्ट. यहाँ पे फेसिस क्या है, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर डायरेक्शन. ठीक है, या फिर दे ड्रोव, साउथ ऑल डे, क्या मतलब होगा इसका, दे ड्रोव साउथ ऑल डे. साउथ की तरफ गए, साउथ की तरफ ड्राइव किया, ये बोला ना यहाँ पे, दे ड्रोव साउथ ऑल डे. ठीक है, साउथ डायरेक्शन में ड्राइव करा उन्होंने. ठीक है, बिल्कुल सही. ठीक है, तो दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज अ डायरेक्शन. तो इसके साथ में हम लोग द, इसके साथ में हम लोग द यूज नहीं करेंगे, लेकिन साथ में अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो ऐसे केस में हम लोग द लगाते हैं. ठीक है, और अगर सेंटेंस तरीके से बनाओ तो यू शुड नो द डिफरेंस. कि अगर ऐसे बोला हूं ना, जैसे अगला सेंटेंस है, माई हाउस फेसिस द ईस्ट डायरेक्शन, इसी को मैं दूसरी तरीके से लिखता हूं. अगर ऐसे बोला जाए, माई हाउस ये क्लियर हो रहा है सबको, माई हाउस फेसिस द ईस्ट डायरेक्शन. देखो जब आप ऐसे बोल रहे हो, माई हाउस फेसिस ईस्ट, ठीक है, उसमें वर्ब और आपका सीधे ईस्ट जो लिखा है वो नाउन की तरह यूज हो रहा है. लेकिन इसमें जो लिखा है नीचे मैंने, माई हाउस फेसिस द ईस्ट डायरेक्शन, इसमें ईस्ट क्या है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, उसका नाउन नहीं एडजेक्टिव होगा. देखो इसमें जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो डायरेक्शन, ये जो वर्ड हमने लिखा ये बन गया दिस इज अ नाउन. ठीक है, और कौन सा डायरेक्शन, ये क्या वर्ड बता रहा है, ईस्ट. तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है. ठीक है, तो माय हाउस फेसिस द ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो ऐसे केस में यू विल यूज द, ऐसे हाँ साथ में लग जाता है द, और ये द एक्चुअल में किसके लिए होता है, डायरेक्शन के लिए. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अ वाटर बॉटल. अब हमें पता है कि पानी के साथ तो हम ए यूज नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप वाटर बॉटल बोलते हो तो एक इसके लिए लग रहा है, बॉटल के लिए. ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन के केस में यही पॉइंट हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन लगा होगा तो आप उसके साथ द लगाओगे, और अगर वर्ब उसे प्रीसीड कर रहा है तो वर्ब के साथ हम लोग नहीं लगाएंगे. They drove towards the south direction होगा ना, हाँ बिल्कुल सुकृति, ये होगा सुकृति. ठीक है, ये हो जाएगा they drove towards the south direction, बिल्कुल सही. ठीक है, और अगर आप केवल वो आप adjective लिख रहे हो, या sorry केवल अगर direction लिख रहे हो तो direction के साथ में हम direct ऐसे लिखेंगे. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये noun होगा. ठीक है, clear है सब, clear elements. अच्छा क्लास में यहाँ पे सब लोग, बाकी लोग माइक यूज कर सकते हैं, नहीं सब क्या सोता है. फिर करते क्यों नहीं, साथ में बोलते रहो दोनों. फिर मुझे लगता है वो ज्यादा आसान रहता है बोलने में, समझने में, बात करने में. ऐसा मैंने कई बार क्या होता है ना, मैंने कुछ बताया, मैंने कुछ उसके बाद आई एम वेटिंग, ओके समबडी इज टाइपिंग, मे बी दे वांट टू आस्क समथिंग. चलो क्लियर हो गई यहां तक सारी चीजें. यस संजीत बोल रहा हूं, माइक पास लगा लेते. हां बोलो बोलो. फॉलो द गूगल मैप एंड टर्न लेफ्ट, ये वर्ब है तो यहां पे टर्न लेफ्ट, ये सही आ गया. अगर बिल्कुल सही ऐसा बोलता हूं, फॉलो द गूगल मैप एंड turn the east direction, turn the east direction, east direction में specify कर रहा हूँ, तो दा
यूज करके और टर्न टू द टर्न टुवर्ड्स टर्न टुवर्ड्स हां टू द ईस्ट या टुवर्ड्स द ईस्ट होगा ना ओके ठीक है अगर टर्न द ईस्ट डायरेक्शन ऐसा लग रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन को घुमा दो टर्न टुवर्ड हां टर्न टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे ना हम लोग उस तरफ मुड़ना है ठीक है वरना वो कुछ और ही साउंड कर रहा है सर प्लीज इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवा दो ग्रुप में आ नहीं रहा 6-7 दिन से इंग्लिश न्यूज़पेपर मतलब आपके पास इसमें पीडीएफ इस टाइप का आता था शुभम फ्लूटनेस के ग्रुप में अच्छा अच्छा चलो मैं आई टॉक टू देम नो सर आ रहा है हर रोज यार गर्व तो बोल रहा है आ रहा है रोज शो व्हाट हैपेंड तुम्हें नहीं मिल रहा क्या अठारह जन के में नहीं आ रहा सर अच्छा अठारह जन शोम गर्व तुम्हारे कौन सा बैच है फिर 18 जन से अलग है सर हाँ तो रहा है सर डेली डेली एक लिंक प्रोवाइड करते हैं उसमें जाके डाउनलोड करना होता है शायद अच्छा लिंक पे जाके शो में एक बार देखना फिर कि कौन से ग्रुप में आ रहे हैं या फिर मतलब जब ग्रुप में आ रहे हैं तो एक बार वो देख लेना कि कौन सा लिंक आ रहा है एक बार ध्यान दे एक बार फिर से ठीक है अगर लिंक आ रहा है तो लिंक से डाउनलोड करके देख लेना हाँ देख लेना अगर ना आए फिर तो बताना ठीक है तो बात कर लेंगे इस तरीके का कुछ होगा तो आना चाहिए मतलब सबको दिख रहा है तो ऐसे वाले है चलिए नाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा आता है यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल इसे मेरे ख्याल से हम लोग ज्यादा डिटेल में अच्छे से नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है बस इसका पहला पॉइंट समझ लेते हैं जो हमें पता है इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन ठीक है इसका यूज हमें पता है उसका पहला जो यूज दे रखा है वो बेसिक यूज है क्या कह रहा है इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन ठीक है तो हमने बात की थी कि अगर हम किसी चीज के लिए यूज करते हैं किसी चीज के लिए वन बोलना है तो मैं वन बोलने की जरूरत नहीं है हम केवल ए बोल देते हैं उससे समझ में आ जाता है जैसे आई नीड अ पेन तो मेरे को वन पेन बोलने की जरूरत नहीं है आई नीड अ पेन से क्लियर हो रहा है कि मेरे को एक पेन चाहिए ठीक है तो ये था हमारा इसका मतलब बेसिक डेफिनेशन जो है कि भाई 12 इंचेस मेक अ फुट यहाँ पे वन फुट बोलने की जरूरत नहीं है 12 इंच से एक फुट बनता है ऐसे ही बोल दिया जाएगा एंड नेक्स्ट इज अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश ठीक है तो यहाँ पे वन वर्ड एक्चुअली वन वर्ड बोलना चाह रहे हैं तो वन बोलने की जरूरत नहीं है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश ये यही से क्लियर है दिस इज सेइंग एक कहावत जैसी है सुना ये नहीं अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश नहीं सुना सर क्या मतलब है इसका कोई और बताएगा क्या मतलब इसका अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश इसका मतलब है कि ओके दिखाता है अपॉर्चुनिटी ठीक है मतलब इसका है कि इफ यू हैव वन श्योर थिंग इन योर हैंड कोई भी एक श्योर चीज आपके पास है वो ज्यादा वैल्यूएबल है उन दो अनश्योर चीज से जो दूर है मतलब आपको एक श्योर चीज दो अनश्योर चीज के लिए नहीं छोड़ देनी चाहिए तो ऐसा है ना कि अगर कोई चीज एक कम वैल्यू की चीज भी आपके पास है वो उसकी वर्थ ज्यादा है उन दो चीजों से जो श्योर नहीं है तो बेसिकली ये ना कि नेवर लूज योर श्योर क्या रिस्क लेने का लेकिन ऐसा होता है ना कि एक ब्रांच हाथ में है तो दूसरी ब्रांच जब तक हाथ में ना आ जाए तो पहली वाली ब्रांच छोड़ देनी है जो है उससे खुश रहना चाहिए वैसा कुछ है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं जो है उससे खुश तो कभी नहीं रहना चाहिए अमित रहना चाहिए मेरा मतलब वो नहीं था मेरा मतलब है कि यू शुड ऑलवेज सर फॉर एग्जांपल अगर एक जॉब लगी हुई है और दो जगह इंटरव्यू दिया है तो उसके भरोसे पे पहली जॉब तुम नहीं छोड़ दोगे दूसरी जगह ऑफर उसमें को यानी कि जो ब्रूस वेन होता है उसे वो शायद वो सिखा रहा होता है कुछ तलवार और ये लोग कर रहे होते हैं ठीक है तो वो लोग उस पे खड़े होते हैं फ्रोजन लेक पे फ्रोजन लेक टाइप की होती है तो उसमें क्या करता है वो अच्छे शॉट के लिए मतलब उसपे अटैक करने के लिए वो कहीं से दूसरी जगह आ जाता है मतलब अपना पोजिशन चेंज करता है बेसिकली वो एक मतलब फ्रोजन लेक है उस पे खड़े हुए हैं और वो दूसरी जगह आ गया और उसे हरा देता है सामने वाले को तो सामने वाला बोलते हो तो उसका जो सिखा रहा होता है बोलता है नेवर लूज अ श्योर फिटिंग फॉर अ ग्रेट शॉट
एक श्योर फिटिंग नहीं छोड़नी चाहिए। तो श्योर फिटिंग का मतलब है कि वो जिस जगह खड़ा था वो वहां पे क्रस्ट जो थी एकदम स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वहां पे जब उसने गया तो उसने जमीन पे हाथ मारा और वो जो आइस था वो टूट गया, बेसिकली वो पानी में गिर गया, ऐसा था। तो ये बिल्कुल वैसा है कि एक श्योर चीज जब तक हाथ में है तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है दो अनश्योर चीज के। ठीक है, तो अवॉइड इन हैंड इज वर्ड्स टू इन द बुश, ये बहुत बार बोला जाता है। और यस, जॉब वाले केस में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है इसे, कि जब तक एक श्योर चीज हाथ में है उस जब तक दूसरी चीज हाथ में ना आ जाए। तो इसमें ये पता है ब्रांच वाला एग्जांपल भी देते हैं, नेवर लीव अ ब्रांच जब तक अगली ब्रांच हाथ में ना जाए, टॉर्जन की तरह वैसा कुछ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे और बाकी पार्ट समझेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ और डाउट्स हो तो बताते रहिए मेरे को, मतलब एज इन जनरल आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अलावा भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू गाइस। Thank you.